क्वेश्चन है, 3 ईयर इन्होंने पढ़ा है, ये रहा एक इलेक्टिव इंग्लिश हो गया। इलेक्टिव इंग्लिश है तो आपका इंग्लिश 100% लॉक कर दिया जाए इसको, कि यही रखना है। हिस्ट्री और सोशियोलॉजी आपने पढ़ी है, बहुत अच्छे आपके बन रहे हैं। कारण ये है कि आपने हिस्ट्री पढ़ी है, हिस्ट्री के साथ आपका बन रहा है सोशियोलॉजी का SST बन रहा है। ओके, एक बार मुझे पंजाब गवर्नमेंट में चेक करना पड़ेगा कि सोशियोलॉजी है, मुझे डाउट है कि 7 उन्होंने रखी है उसमें है कि नहीं है। लेट मी चेक, अदरवाइज आपको SST ही बनता है। हिस्ट्री का आपका बेनिफिट ये है, अगर केंद्रीय विद्यालय में पोस्ट निकलती है, जहाँ नवोदय विद्यालय में, सेंटर की, CBSE की कोई भी जॉब निकलती है, वो हिस्ट्री सब पढ़ा हुआ होना चाहिए। दैट इज़ वाई आपका बेनिफिशियल ये है, आपका सब्जेक्ट बन रहा है हिस्ट्री और इंग्लिश का। हिस्ट्री SST आपका मेजर बनेगा और इंग्लिश आपका माइनर बनेगा, बाद में इनमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, आप दोनों के बेस पर गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो। आई हैव कंप्लीटेड MA इंग्लिश आपने की हुई है, ट्रिपल फायदा। बहुत कम कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो BEd करने के बाद एलिजिबल नहीं, 3 पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। आप एक इंग्लिश के लिए PGT के लिए एलिजिबल हो जाओगे अगर पैडागोजी ऑफ इंग्लिश पढ़ते हो तो, दूसरा आप SST के लिए, दूसरा TGT के लिए इंग्लिश के लिए भी एलिजिबल हो, और तीसरा आप SST के लिए TGT के लिए एलिजिबल हो, 3 पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो। सो मेरे ख्याल में आपने क्या पूछा था सर, व्हाट आई कैन डू फॉर SST सेकंड मेजर सब्जेक्ट। मेजर सब्जेक्ट आपका एक ही बनेगा, अगर आप डिवीजन करना चाहते हो SST के बाद मेजर सब्जेक्ट की, तो वो बनेगा आपका, ये रहा, इसको उड़ा दूँ पहले, वो रहा आपका ये हिस्ट्री, यहाँ है आपने किया हिस्ट्री, ये रहा है ना, सिर्फ हिस्ट्री बन रहा है। सोशियोलॉजी की तरफ मत जाइए क्योंकि उसकी पोस्ट नहीं निकलती, हिस्ट्री की काफ़ी पोस्ट मेरे 72 के 82, एक वीडियो निकाल दूंगा जिसमें सारी पोस्ट PGT के लिए, लेकिन हिस्ट्री करने के बाद आप PGT के लिए एलिजिबल बनोगे। मेजर सब्जेक्ट अगर ये रखते हो उसके बाद MA हिस्ट्री करनी पड़ेगी, MA हिस्ट्री, दैट इज़ वाई ये मैं आपको प्रेफर नहीं करने को कह रहा, क्योंकि आपने ऑलरेडी MA इंग्लिश की हुई है। अगर MA हिस्ट्री की तरफ जाना है, कम्पीट कर सकते हो, इसके लिए ज़्यादा तैयारी कर सकते हो। देखिए, जब एनर्जी को हम डिवाइड करते हैं इंग्लिश की तरफ SST की, तो नेचुरली है कि परफॉर्मेंस लो हो जाती है। तो अगर आप हिस्ट्री पर अच्छा कंपीट कर सकते हो सिलेक्शन टेस्ट के लिए और पोस्ट रिलेटिवली कम होगी, तो फिर आपको MA हिस्ट्री, मतलब मेजर सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री बन के आप साथ में इंग्लिश लोगे, अदरवाइज नॉर्मली कोई और जरूरत नहीं है, SST और इंग्लिश आपका नॉर्मल बेस्ट सब्जेक्ट है। तो ये सोशियोलॉजी का चेक कर लेना, बेशक मेरे से बाद में क्वेश्चन पूछ लेना, अभी आप BEd करो, बीच में ही पूछ लेना अगर एडिशनल पेपर देना पड़ता है तो। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि 7 सब्जेक्ट जो पंजाब गवर्नमेंट ने दिए हैं उनमें आपका सोशियोलॉजी होना चाहिए। मेरे ख्याल सोशियोलॉजी है, एक आधा उन्होंने और कोई डाला है। दैट्स ऑल, थैंक यू।